काठमांडू प्रधानमंत्री केपी ओली ने बार बार दावा किया है कि नेपालियों की प्रतिरक्षा अनुकरणीय है। हालांकि विश्व स्तरीय अध्ययनों से पता चला है कि गरीबी, अभाव, अशिक्षा, बेरोजगारी और कुपोषण के कारण नेपाली लोगों की स्वास्थ्य स्थिति खराब है। नेपाल में स्थिति को सुधारने के लिए एक योजना लाने के बजाय नेता लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। 11 मई को प्रतिनिधि सभा की बैठक में प्रधानमंत्री ओली ने दावा किया कि नेपालियों की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत थी। जवाब देने के लिए रुस्तम में पहुंचे प्रधानमंत्री ओली ने कहा, किसने कहा कि नेपालियों की प्रतिरक्षा अच्छी है? मुझे सिर्फ एक सम्मानित व्यक्ति द्वारा बताया गया था, क्या आपने नहीं सुना? प्रधानमंत्री के इस जवाब के बाद कुछ सांसदों ने मेज पर दस्तक दी थी। हालांकि प्रधानमंत्री ने नेपाली लोगों के बीच गरीबी और कुपोषण की स्थिति, स्वास्थ्य सेवा तक उनकी पहुंच और नेपाल में 5 से कम उम्र की बच्चों की मृत्यु दर का अध्ययन नहीं किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, अगर डॉक्टरों, वैज्ञानिकों या शोधकर्ताओं से कोई चुनौती मिलती है तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। आधे नेपाली पहाड़ी और पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, स्वच्छ हवा में रहते हैं, मजबूत सहन शक्ति रखते हैं। पहाड़ों से टकराने पर रेगिस्तान से आने वाली गर्म हवा भी ठंडी हो जाती है और ऐसी ठंडी हवा मिलने से नेपालियों के प्रतिरोध को बल मिलता है। औसत आयु मुख्य उपाय है कि प्रतिरक्षा प्रणाली कितनी मजबूत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार नेपाल जीवन प्रत्याशा के मामले में दुनिया में 124वें स्थान पर है। नेपाल की औसत आयु 70.5 वर्ष है, हांगकांग का औसत 84.8 वर्ष, जापान का 84.2 वर्ष, संयुक्त राज्य का 78.5 वर्ष और चीन का 76.4 वर्ष है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में 52.8 वर्षों में सबसे कम जीवन प्रत्याशा है। अफ्रीकी देश लेसोथो में औसत जीवन प्रत्याशा 53.7 है। यद्यपि नेपाल की औसत जीवन प्रत्याशा सबसे गरीब अफ्रीकी देशों की तुलना में थोड़ी बेहतर है, लेकिन यह तथ्य कि नेपाल औसत आयु की तुलना में 124वें स्थान पर है, यह दर्शाता है कि यहाँ के लोगों की स्वास्थ्य स्थिति बहुत प्रतिकूल है। नेपाल में औसत जीवन प्रत्याशा में भी पहाड़ों के नीचे रहने वाले नेपालियों की उम्र कम है। सबसे ऊंची चोटी 68.8 पर, मस्तक 65.04 पर और जुमला 63.1 पर है। इसी तरह पहाड़ों की हवा में यार्चकुंबा उगाने वाले डोरपा के लोगों की औसत आयु 61.2 वर्ष है। इसी तरह नेपाल दुनिया के सबसे कुपोषित देशों में 68वें स्थान पर है। कुपोषण स्वस्थ भोजन प्राप्त किए बिना पर्याप्त मानसिक और शारीरिक स्थिति विकसित नहीं करने की अवस्था है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य कुपोषण में पहले नंबर पर और जिम्बाब्वे दूसरे नंबर पर है। भारत 42वें स्थान पर और नेपाल 68वें स्थान पर है। नेपाल अकाल का सामना करने वाले दुनिया के 117 देशों में से 73वें स्थान पर है। उरुग्वे सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद भारत 102 पर है, अफगानिस्तान 108वें, मून 115वें और यमन 116वें स्थान पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना का पीछा किया जाना चाहिए। कोरोना फेफड़ों की बीमारी है। फेफड़ों की बीमारियों के कारण होने वाली मौतों की संख्या में नेपाल दुनिया में तीसरे स्थान पर है। उत्तर कोरिया नंबर 1 पर है, भारत दूसरे नंबर पर है और नेपाल तीसरे नंबर पर है। नेपाल में हर साल लगभग 14,000 लोग फेफड़ों की बीमारी से मर जाते हैं। इन्फ्लुएंजा और निमोनिया से होने वाली मौतों को जोड़कर यह संख्या 23,565 है। काठमांडू प्रधानमंत्री केपी ओली ने नेपाली को रोग प्रतिरोधी क्षमता उदाहरणीय भय को दावी पटक पटक दोहराए का छन तर गरीबी, अभाव, अशिक्षा, बेरोजगारी
कुपोषण ने नेपाली जनता को स्वास्थ्य अवस्था दयनीय भएको विश्व स्तरीय अध्ययनहरूले देखाएका छन्। नेपालको यो अवस्थामा सुधार गर्ने योजना ल्याउनुको सट्टा नेताहरूले जनतालाई भ्रमित बनाउँदै आएका छन्। 28 चेकमा भएको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो भएको दावी गरेछी। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले यो कुन विज्ञले भनेको हो भनेर प्रतिप्रश्न गरेका थिए। जवाफ दिन रोस्ट्रममा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो, नेपालीको रोग प्रतिरोधी क्षमता राम्रो छ भनेर। कसले भन्यो भनेर एकजना माननीयले सोध्नु भयो। त्यो मैले भर्खरै भने, सुन्नु भएन प्रधानमन्त्रीको यो जवाफ पछि कतिपय सांसदले टेबुल ठोकेका थिए। तर नेपाली जनताले गरिबी र कुपोषणको कुन अवस्था सामना गरिरहेका छन्, स्वास्थ्य सेवामा उनीहरूको पहुँच के छ। 5 वर्ष मुनिका बाल बालिका र आमाहरूको मृत्यु दरमा नेपालको अवस्था के छ भन्ने विषयमा देशको प्रधानमन्त्रीले नै अध्ययन गरेको देखिए। जनप्रतिनिधि सांसदले त टेबुल ठोके रमाउने प्रवृत्ति नै विकास भएको छ प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो। डाक्टर वैज्ञानिक व शोधकर्ता बाट यो कुरा होइन भनेर चुनौती आयो भने मैले स्वीकारुला। आधा नेपाली पहाड र हिमाली क्षेत्रमा बसेका छन्, स्वच्छ हावा पानीमा बसेका छन्, स्टामिना बलियो छ। मरुभूमिबाट आएको तातो हावा पनि हिमालमा ठोक्किएपछि चिसो हुन्छ र त्यस्तो चिसो हावा पाएपछि नेपालीको प्रतिरोधी क्षमता बलियो हुन्छ। रोग प्रतिरोधी क्षमता कति बलियो छ भनेर मापन गर्ने प्रमुख आधार औसत आयु हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुसार औसत आयु को हिसाब में नेपाल विश्व में 124 स्थान में छ। नेपाल को औसत आयु 70.5 वर्ष छ, जबकि हंगकंग को औसत आयु 84.8 वर्ष, जापान को 84.2 वर्ष, अमेरिका को औसत आयु 78.5 र चीन को 76.4 वर्ष छ। सबैभन्दा कम औसत आयु भएको देश मध्य अफ्रिकी गणतंत्र हो, जिसमा औसत आयु 52.8 वर्ष छ। त्यस्तै अफ्रिकी देश लेसोथो को औसत आयु 53.7 छ। गरिबी को चपेटा में पड़ेगा अफ्रिकी देशहरू को तुलनामा नेपालको औसत आयु केही राम्रो भए पनि औसत आयु को तुलनामा नेपाल 124 स्थानमा हुनुले यहाँका जनताको स्वास्थ्य अवस्था निकै प्रतिकूल छ भने देखिच। नेपालभित्रको औसत आयुमा पनि हिमालयको मूल बस्ने नेपालीको आयु थरै छ। सर्वोच्च शिखर सगरमाथा रहेको सोलुखुम्बुको 68.8, मुस्तान को 65.04, जुला को 63.1 छ। तिस्ते हिमालय को हवा में यारचा गुम्बा उन्होंने डोरपा का जनता को औसत आयु 61.2 वर्ष छ। तिस्ते विश्व में बढ़ी कुपोषण होने मुलुक मध्य नेपाल 68 स्थान में छ। स्वस्थ खाने को न पाए पर्याप्त मानसिक र शारीरिक अवस्था विकास नमूने अवस्थालाई कुपोषण भनिच। कुपोषणमा मध्य अफ्रिकी गणतंत्र 1 नम्बरमा र जिम्बाब्वे 2 नम्बरमा छ। भारत 42 नम्बरमा र नेपाल 68 नम्बरमा छ। भूकम्री हुने विश्वका 117 देश मध्य नेपाल 73 स्थानमा छ। यो सूचीमा उरुग्वे पहिलो नम्बरमा छ भने भारत 102 स्थानमा छ। त्यस्तै अफगानिस्तान 108 हो, चांद 115 हो र यमन 116 हो स्थानमा छन्। प्रधानमन्त्रीले हाचिव गरेर कोरोनालाई भगाउनु पछि भने अभिव्यक्ति दिए। कोरोना फोक्सो सम्बन्धी रोग हो, फोक्सो सम्बन्धी रोग लागेर मृत्यु हुने देश मध्ये नेपाल विश्वमै 3 नम्बरमा पछि पहिलो नम्बरमा उत्तर कोरिया, 2 भारत र